वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज करी का बहुत ही टेस्टी चटपटा आइटम बनने वाला है, देख सकते हैं। आज बहुत ही टेस्टी आइटम बनेगा जो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चे तो दो की जगह चार रोटी खाएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्टी आइटम बनेगा, देखिए। चलिए चालू करते हैं कैसे बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर कैरी लिया है, 1.5 किलो का यहाँ पे हमारा कैरी ताज़ा है। बहुत ही टेस्टी चटपटा बनेगा, चलिए बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इनको धुलकर अच्छे से साफ कर लिया है। यहाँ पे हम इनको पोंछ लेंगे। धुलने के बाद इसको हमने सुखा लिया है। अब चलिए इसको बनाकर तैयार करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। यहाँ पे हमने सारी कैरी का छिलका उतार लिया है, देख सकते हैं। हमने यहाँ पे सारी कैरी का छिलका उतार लिया है। अब इसको स्पून की सहायता पे इसमें होल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, यहाँ पर हमने सारी कैरी का छिलका उतारने के बाद यहाँ पर हमने देखिए क्या क्या लिया है। यहाँ पर हमने गुड़ लिया है, यहाँ पे हमने लाल मिर्ची ली है, कलौंजी ली है, सौंफ लिया है, यहाँ पे हमने चीनी लिया है और यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं। चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस में इसको। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डाले हैं, 1 चम्मच होकर। इसको अच्छे से चटकने तक भूनेंगे। भून गया। अब यहाँ पे हम बेसन का यूज कर रहे हैं, बेसन डाल दिए हैं। बेसन को भी अच्छे से भून लेंगे, खूब अच्छे से बेसन पक जाना चाहिए। कच्चा रहेगा तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। अब यहाँ पे हमने सारी कैरी को डाल दिया है। इसको 1 से 2 मिनट तक इसको भी भून लेंगे अच्छे से। देख सकते हैं बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होने वाला है आज। यहाँ पर हमने चीनी डाल दिया है। मीठा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम मीठा पसंद होता है। पर मीठा रहता है तो अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इसको, मीठा रहता है। नहीं, ये कैरी है ना, बहुत खट्टी आती है, इसलिए यहाँ पे हमने मीठा कुछ ज़्यादा डाला हुआ है। 500 ग्राम हमारा गुड़ था, 300 ग्राम लगभग चीनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर हमने नमक का यूज किया है। ये यहाँ पर हम डाल रहे हैं कलर, आपको ना पसंद हो तो कलर नहीं डालें, हल्दी डाल सकते हैं। कलर की जगह भी मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दी है। नहीं हो तो कलर का यूज नहीं ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कलर डाला हुआ है, देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बनकर मिनटों में तैयार होने वाला है। देखिए बनने के बाद इसका लुक बहुत ही टेस्टी और चटपटा। इसको आप 10 से 15 दिनों तक आराम से फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है। आप रेड चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं, पर ये बच्चों के लिए तीखा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स का यूज अब नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए इसको आप सॉस की जगह में यूज कर सकते हैं, वैसे भी पूरी पराठे के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।